टच स्क्रीन एज में आपका स्वागत है आज मैं आपको यहाँ पे केमिस्ट्री सबसेड्री है जो कि पार्ट वन का है 2011 तक इससे पीछे हम कर चुके थे पिछले वाले वीडियो में आज मैं आपको तीसरा वीडियो लेके जा रहा हूँ जहाँ से 2012 से लेके 2017 तक का केमिस्ट्री का सब्जेक्ट subject, सब्जेक्टिव का जो है यहाँ पे आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आया हूँ तो आप लोग यहाँ पर बने रही है तो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन है एन ऑर्बिटल विथ द क्वांटम नंबर एन इज इक्वल टू फोर एल इज इक्वल टू थ्री एम इज इक्वल टू जीरो एंड एस इज इक्वल टू प्लस वन वाई टू इज कॉल्ड ये जो आपका कहलाता है फोर एफ के बराबर कहलाता है किसके बराबर होता है फोर एफ के बराबर होता है सेकेंड नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट निगेटिव इलेक्ट्रॉन गैन इन थोपे मतलब इन सभी में से एंथोलॉप एंथोलोपी हाँ इन सभी में निगेटिव लार्जेस्ट किसका रहता है तो वो है आपका क्लोरीन का ओके अब हम चलते हैं तीसरा नंबर पे तीसरा नंबर है लेटिक एनर्जी ऑफ द आइकॉनिक कंपाउंड डिपेंड अपॉन ये जो है आपका डिपेंड रहता है चार्ज ऑन द आयन एंड द साइज ऑफ द आयन चार्ज ऑन द आयन पे निर्भर करता है और साइज ऑफ द आयन पे निर्भर करता है अब हम चौथे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज मैक्सिमम इन किसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैक्सिमम होता है तो ये सी का सी का होता है द जनरल फॉर्मूला ऑफ एस्टर एस्टर का जो जनरल फार्मूला होता है आर सी डबल ओ आर के टर्न में होता है यहाँ पे ये इस ओ के रूप में ओ में डबल बाउंड लगेगा और सी ओ आर इस तरह से रहता है इस तरह से रहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रिक अल्कोहल डाई हाइड्रिक अल्कोहल तो यह है इथाइलिन ग्लाइकोल गल, इथिलिन ग्लाइकोल को ही अल्कोहल कहा जाता है बाउंड एंगल इज हाइएस्ट बाउंड एंगल जो होता है वो हाइएस्ट किसका होता है एस पी टू का इन आइडियल गैस इक्वेशन पी भी इज इक्वल टू एन आर थी जो होता है इसमें भी जो है वॉल्यूम ऑफ किसका होता रहता है ये आपका एन मोल ऑफ गैस का रहता है एन मोल ऑफ गैस अब नवा में चलते हैं फोर एन एडीबाइटिक प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट तो यहाँ पे जो है क्यू इज़ इक्वल टू जीरो ये रिलेशन बिल्कुल सही है अब हम चलते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन के पी एंड के सी के पी और के सी के बीच का जो रिलेशन होता है वो ऑप्शन नंबर बी में सही है के पी इज इक्ल टू के सी इन आर टी पर पावर डेल एन ये जो त्रिभुज लिखा होता है इसको डेल पढ़ा जाता है डेल एन पढ़ा जाता है ओके अब हम चलते हैं दो हज़ार तेरह पे सॉरी दो हजार तेरह पे हाउ मैनी फोर हाउ मैनी ऑर्बिट द क्वांटम एन इज इक्वल टू थ्री ई इज इक्वल टू टू एम इज इक्वल टू प्लस इज पॉसिबल इज इक्वल टू यहाँ पे थ्री के पॉसिबल के बराबर होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो डायनामिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन तो यहाँ पे डेल ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू अब है

रिएक्शन द इक्विबिलियम वुड शिफ्ट टू द राइट इफ टोटल प्रेशर इज इनक्रीज तो वह होता है एन टू प्लस टू टू एन एच थ्री के बराबर होता है अब हम यहाँ पे फोर्थ हो गया पाँचवा चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जीबिस्ट इंटरपियर इफेक्ट तो वह है एसन ऐसा का तो है एग्जिबिस्टर इंटरेस्ट होता है विच ऑफ द फॉलोइंग आयोनाइजेशन इन इथेलेपी ई भी जिसको कहा जाता है ऑफ बेरेम बी ई एंड बी रिस्पेक्टिवली आर एट पॉइंट थ्री टू कोमा एट पॉइंट टू नाइन ये होता है द अरेंजमेंट ऑफ डिक्रीजिंग साइज ऑफ एच प्लस एच माइनस एंड एच डिक्रीजिंग साइज में इसको पहले होगा तो पहले एच माइनस होगा फिर एच होगा एच माइनस बड़ा होता है एच बड़ा उससे भी उससे छोटा होता है और एच प्लस उससे और छोटा होता है द हाइड्राइजेशन ऑफ कार्बन एटम सी सी सिंगल बॉन्ड ऑफ सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस एच डबल बॉन्ड सी एच टू ये ये एच पी और एच पी टू के बॉन्ड के रूप में है अब लिखा हुआ वैसे थ्री सी एस टू सी ओ एच द बॉन्ड ऑफ द अंडर गोज यहाँ पे हैट्रोलिक एलिवेस मोस्ट रेडली इज सी ओ सी डैश ओ के रूप में रहता है कैनिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवेन बाय रिएक्शन जो है वह यहाँ पे है प्रीमिथाइल प्री ए ये हमको नहीं देता है कैनी जाड़ो रिएक्शन जबकि बेनजल डी हाइड डिलता है ए सी हाइड डिलता है फॉर्मेल्टी हाइड भी देता है ये रिएक्शन कैनी जाड़ो अब हम चलते हैं यहाँ पे 2014 के क्वेश्चन पे आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गोज वेलोसिटी इज की भैन बाय ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका आर एम एस म्यू इज इक्वल टू तो थ्री आर टी बाय थ्री आर टी बाई एम द रियल गैस सॉ दियरली आइडियल बिहेवियर हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर ये किसको बताता है हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर को और ये यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ है ऑस्मेटिक्रेशर ऑफ़ इक्विलियम सोल्यूशन सी एस सी एल टू एन ए सी एल टू और विल बी तो यहाँ पे सी एस सी एल टू इज ग्रेटर दैन एन ए सी एल टू इज ग्रेटर दैन यूरिया ये ऑप्शन नंबर सी को है ये पूरा क्वेश्चन चूँकि यहाँ पर नहीं छपा हुआ था जैसे था मेरे पास चूँकि कुछ ज्यादा समय के बाद बुक जो होती है उनका स्केच उड़ने लगता है इन ए केमिकल प्रोसेस ऑफ अमाउंट ऑफ टोटल हीट चेंज इज सेम नो मैटर बाय द विच ऑफ द मेथड ऑफ चेंज इज अबाउट अबाउट दिस इज स्टेटमेंट ऑफ ये किसका स्टेटमेंट है यह लॉ का स्टेटमेंट है हैस लॉ द स्पेक्ट्रम ऑफ एच एटम इज एक्सपेक्टेड टू बी सिमिलर टू डेट ऑफ हीलियम हीलियम के जैसा होता है आउट ऑफ द फ्लोइंग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बाउंडिंग एग्जिस्ट इन टू नाइट्रोफिनॉल के बराबर होता है एग्जिस्ट करता है टू नाइट्रोफिनोल को अब लग चल यहाँ आ चलते हैं जी नंबर पे इन द कंपाउंड सी एच सी ट्रिपल वन सी माइनस एच सी एच डबल बाउंड सी एच टू में सी जो है आपका क्या होता है सी मेरा एस पी टू हाइड्री हाई ब्रीडाइजेशन डाइजेशन होता है एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन होता है ठीक है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डायना माइट वन ऑफ द केमिकल यूज इज रेट होता है ग्लाइकोल टेरी रेट होता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसाइड तो वो है सी एस टू सी डबल ओ एच ओके एसी टल्डी हाइड ऑन ट विथ फेल सोल्यूशन गिवेन ए क्या लिखा हुआ इसमें कुछ छपी मतलब यहाँ पे ये इसके बराबर होता है ये सी यू टू ओ के बराबर होता है ओके अब हम दो हजार पंद्रह के क्वेश्चन पे चलते हैं द प्रोपर्टीज ऑफ हि सिस्टम विच डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ द सब्टानस इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इसको क्या कहा जाता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहा जाता है डैश स्टैंडर्ड फ्री इनर्जी और एन इक्विलियम कॉन्स्टेंट आर रिलेटेड टू इच अदर एच तो ये जो है नन ऑफ डिज होगा क्योंकि इसका जो रिलेशन होगा डेल जी पर पावर डैस बराबर इज इक्वल टू तो माइनस एन यहाँ पे एफ ई डैस होता है इस तरह का रिलेशन कोई नहीं है तो ये नन ऑफ दिज को सेटिस्फाई करेगा अब है लिखते हैं ए कैटलिस्ट ऑन ए सबटांस विच शॉर्ट एंड द टाइम टू रीच द एक बिलियम द रिलेशन बिटवीन द एवरेज वेलोसिटी एंड द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी फॉर गैसेस इज गिवेन बाय तो इसके बीच का जो रिलेशन है वो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो पॉइंट नाइन टू वन थ्री इंटू में रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के बराबर होता है द वैलिड सेट ऑफ क्वांटम नंबर आर वैलिड सेट जो क्वांटम नंबर का होता है वो एन बराबर थ्री एल बराबर टू और एम बराबर जीरो के बराबर होता है विच ऑफ द फॉलोइंग आयन ऑफ पारा मैग्नेटिक जेड एन प्लस टू के बराबर होता है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ द हाइएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन पी तो ऑक्सीजन का होता है द केमिकल यूज ऑफ हिंसबर्ग टेस्ट फॉर एनीज इज तो वह है बेन्जाइन सल्फाइल क्लोराइड सल्फोनाइल क्लोराइड के बराबर व्हाट इज जेड ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिले रिएक्शन फिनोल जेन डस्ट और यहाँ पे सी एस थ्री बटेसियल एल वाई एल्किन के एम एनोफोर जेड तो यह बेंजोइक एसिड को लेकर बताएगा किसको को जेड बताएगा बेंजोइक एसिड को अब यहाँ पे चलते हैं सूशीफिश रिएक्शन विथ पिंक कलर विथ ऐसे में देता है ये आपका क्लास ट्वेल्थ का ही है ये क्लास ट्वेल्थ का है ये भी क्लास ट्वेल्व का है और हिन्स का भी क्लास ट्वेल्थ में यूज है बहुत सारा है जो क्लास ट्वेल्थ से रिलेशन को बताता है तो आज हम आपको 2015 का यहाँ पे क्वेश्चन लेके बता दिए दो हज़ार तक का बाकी मेरे पास एकमात्र मात्र दो का क्वेश्चन है आप लोग को अगर और सारे दो हज़ार सत्रह अठारह उन्नीस का सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे क्वेश्चन सेंड कर देना मेरा एक टेलीग्राम का लिंक है हम पर्सनल लिंक भेज देंगे मतलब हम अपने चैनल का पर्सनल लिंक भेज देंगे आप वहाँ पर मुझे आके मैसेज कर देना और अगर हो सके तो आप मुझे प्रीवियस ईयर जो है दो हज़ार सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस भेज देना ताकि मैं उसका सोल्यूसन भेज पाऊँ क्योंकि मेरे पास दो हज़ार सोलह तक का ही क्योंकि हम दो हज़ार सोलह में मेरा एग्जाम हुआ था पार्ट वन का तो उस समय का मेरे पास था तो वहाँ तक का हम सोल्यूशन दे देंगे सत्रह अठारह मेरे पास नहीं है उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तो इसके लिए आप थोड़ा सा अगर आप लोग के पास किसी के पास भी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर मेरे पास है या फिर आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक पर मुझे शेयर कर सकते हैं ताकि मैं वहाँ से डाउनलोड करके मैं उस पर आंसर बना लूँ फिर आपको वहाँ पे बताऊँगा ओके अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए थैंक यू